नमस्कार दोस्तों, सई पल्लवी भारतीय फिल्म जगत की एक जानी मानी अभिनेत्री है। वो मुख्यतः दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम करती है, लेकिन हिंदी भाषी लोगों के बीच भी काफी लोकप्रिय है। आज इस वीडियो में हम सई पल्लवी के बारे में रोचक तथ्य जानेंगे। पल्लवी का जन्म तमिलनाडु के कोटागिरी में हुआ था और उनका पालन पोषण कोयम्बटूर तमिलनाडु भारत में हुआ था। पल्लवी वास्तव में अपने स्कूल के दिनों में ओणम मनाना पसंद करती थी और उन्हें लगता था कि वह केरल से नहीं है। वह अपने पसंदीदा त्यौहार के दौरान अपने निवास को फूलों से रंगोली सजाना पसंद करती थी। सई पल्लवी शुरू में बहुत शर्मीली और डरपोक लड़की थी। हालांकि बार बार कैमरों के सामने आने के बाद उनका व्यक्तित्व तेजी से बदल गया। सई ने कभी डांस की ट्रेनिंग नहीं ली। उन्होंने माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय की डांस वीडियो में देखकर डांस सीखा है। सई पल्लवी तिबिलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जॉर्जिया से मेडिकल MBBS की पढ़ाई की 2016 में पूरा हुआ। सई पल्लवी तमिल फिल्म कस्तूरी मान 2005 में एक बाल कलाकार के रूप में अपना अभिनय करियर की शुरुआत की। 2008 में उन्होंने विजय टीवी पर प्रसारित होने वाले डांस रियलिटी शो अनगलिल यार अदुथा प्रभुदेवा में भाग लिया। वह ईटीवी तेलुगु पर प्रसारित होने वाले प्रतियोगिता शो दी अल्टीमेट डांस शो सीजन 4 में दिखाई दी। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2008 में तमिल फिल्म धामधूम से की थी। उन्होंने तमिल, मलयालम और तेलुगु जैसी विभिन्न भाषाओं में काम किया है। 2017 में जब उनकी फिल्म फिदा टीवी पर टेलीकास्ट हुई तो उसे सबसे ज्यादा टेलीकास्ट रेटिंग मिली। मुख्य अभिनेत्री प्रेमम के रूप में अपनी पहली फिल्म में मलार के अपने चरित्र के लिए उन्हें बड़ी आलोचनात्मक और प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता मिली। इसके अलावा उन्होंने फिल्म में रंका कुथू नामक एक गीत को कोरियोग्राफ भी किया। उन्हें साउथ का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। साई पल्लवी की खासियत है कि स्क्रीन पर अपने चेहरे को जस का तस पेश करना है बिना मेकअप के। साई पल्लवी की 2018 में मारी 2 धनुष के साथ आई थी और इस फिल्म को भी खूब पसंद किया गया। सई पल्लवी सिंघम का किरदार निभाने वाले सुपरस्टार सूर्या के साथ NGK 31 मई को रिलीज हुई। हाल ही में सई को 2 करोड़ का फेयरनेस क्रीम का एड ऑफर किया गया था, लेकिन इस एक्ट्रेस के गोरेपन से जुड़ी का प्रमोशन करने से मना कर दिया।